आज का टॉपिक है हमारा ज्योमेट्री ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है ना, तो जो बेसिक ज्योमेट्री हमने पढ़ी है उसी को हम कॉम्प्लेक्स नंबर में अप्लाई करेंगे। जैसे ज्योमेट्री का बेसिक होता है पॉइंट, ठीक है ना। अगर हम बोले कि अ पॉइंट ए एक्स कॉमा वाई इन अ प्लेन, तो इसका मतलब ये हो गया कि ए पॉइंट पे द पॉइंट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आयोटा वाई, ठीक है ना। यानी कि अगर जेड कोई पॉइंट है एक्स वन प्लस आयोटा वाई वन, देयर फोर जेड क्या करता है, रिप्रेजेंट अ पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वन कॉमा वाई वन। तो ये आपका बेसिक पॉइंट हो गया, ठीक है ना। पॉइंट के बाद हम लोग पढ़ते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है ना। तो लेट ए आपका एक पॉइंट है जिसको जेड वन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंड बी एक पॉइंट है जिसको जेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बी टू प्लेन टू पॉइंट्स इन द, हमारा जो प्लेन होता है कॉम्प्लेक्स नंबर में इसको आर्जिन प्लेन बोलते हैं। तो यानी कि जो ए बी की जो डिस्टेंस होगी वो हम जेड वन और जेड टू को सब्ट्रैक्ट करके उसका मॉड निकालेंगे। तो मॉड का मतलब हुआ डिस्टेंस, तो मॉड रिप्रेजेंट डिस्टेंस, ठीक है ना। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए हम लोग ये करेंगे। उसके बाद तीसरी चीज आती है सेक्शन फॉर्मूला, बेसिक मैथ्स। जब हम लोग कोऑर्डिनेट पढ़ रहे थे तो हमारा लगभग इसी तरह से फ्लो जा रहा था कि हम पहले पॉइंट के बारे में पढ़ते थे और फिर उसके बाद हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ते थे और फिर हम लोगों ने सेक्शन फॉर्मूला पढ़ा। ठीक है ना, सेक्शन फॉर्मूला क्या है कि लेट ए एक पॉइंट है सपोज जेड वन एंड बी एक पॉइंट है जेड टू एंड सी एक पॉइंट है जेड, एंड कह रहा है सी डिवाइड्स ए बी इंटरनली, अगर बात करें इंटरनली की, इंटरनली इन रेशियो एम इज टू एन। तो यानी कि आपका एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट ये बी है और अगर आप एक ए पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड वन है, बी पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड टू है, अगर आप इसके बीच में कोई पॉइंट निकालना चाहते हो और रेशियो आपको पता हो, तो सिंपल सा हम लोग सेक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं जैसे कोऑर्डिनेट में यूज करते थे। तो ये m गया आपका z2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, n आपका z1 के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये m प्लस n, ठीक है ना। यहां से आपको z की x प्लस आयोटा y की फॉर्म में वैल्यू मिल जाएगी। ये इंटरनल डिविजन ये हो गया, ठीक है ना। और यहीं पर ही अगर बोला जाए एक्सटर्नल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए जेड में कुछ नहीं, यहां पर आपको माइनस साइन लगा देना पड़ता है। ये आपका एक्सटर्नल डिवीजन के लिए हो जाता है आपके पास,
ठीक है ना। तो इसी सेक्शन इसके यहाँ पर एक फॉर्मूला ये निकल के आ सकता है, दो तीन फॉर्मूले निकल के आ सकते हैं, एक नहीं, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, सपोज एक पॉइंट आपका ये जेड वन एंड बी पॉइंट मान लो आपका जेड टू, तो मिड पॉइंट निकालेंगे तो वो ऐसे निकलेगा, क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू बाई टू। और एक आपने और पढ़ा होगा सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल, सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, सपोज ट्रायंगल जेड वन, बी वाला पॉइंट जेड टू, सी वाला पॉइंट जेड थ्री है, तो इसका जो सेंट्रॉइड होगा, ठीक है ना, तो अगर मैं सेंट्रॉइड को, लेट सेंट्रॉइड बी, मैंने डिनोट किया है फिगर में जी से, और जी पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सपोज जेड है, तो जेड की जो वैल्यू आ जाएगी वो आएगी सेंट्रॉइड की जेड वन प्लस जेड टू प्लस जेड, तीनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करके थ्री से डिवाइड कर दो तो आपको सेंट्रॉइड मिल जाएगा, ठीक है ना। ये चीज उसी तरह से अगर इसी में ही अगर मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना चाहूं, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, सेम सिचुएशन पे, सेम ऊपर जो फिगर है उसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है, ऐसे हाफ ऑफ जेड वन जेड टू, ठीक है ना, जेड थ्री, जेड वन कंजुगेट, जेड टू कंजुगेट, जेड थ्री कंजुगेट, और वन वन वन, ये डिटरमिनेंट को एक्सपेंड कर दो तो आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए ये फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। तो ये बेसिक ज्योमेट्री है कुछ। अब यहां पर मैं सम स्टैंडर्ड लोकस की बात करता हूं, कुछ स्टैंडर्ड लोकस जो चलते हैं, लोकस, ठीक है ना। तो सबसे पहला तो सिंपल सा ये ले लो, अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए, यहां पर लोकस, मैं जब भी हम लोकस की बात करेंगे तो जेड इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होना चाहिए, जेड आपका एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है और जेड वन इज अ फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, ये याद रखिएगा। कभी भी जब भी कभी हम किसी भी लोकस को अगर लोकस निकाल रहे हैं तो एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर जरूर होना चाहिए, तो जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए। और आप ये देखोगे ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक जेड वन फिक्स्ड है और एक वेरिएबल है कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये इस तरह से वेरी करता है कि जेड और जेड वन के बीच की जो दूरी है वो हमेशा ए रहे, तो आपका ये क्या, जेड क्या रिप्रेजेंट करेगा, आपका एक सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा जिसका सेंटर, वो जो फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है वो सेंटर का काम करेगा, एंड आपका जो रेडियस का काम करेगा वो ये करेगा ए, ये जो ए है आपका रेडियस बन जाएगा, ठीक है ना, जेड माइनस जेड वन। तो इसका मतलब है कि अगर कोई ऐसा लिख के दे कि जेड माइनस वन प्लस आयोटा का मॉड इक्वल टू टू, तो इसका मतलब डायरेक्ट हम बोल सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल जिसका सेंटर होगा क्या, ये वाला वन कॉमा वन, ये जो वन प्लस आएगी ये सेंटर बन गया, एंड रेडियस इक्वल टू टू, तो इसका मतलब कार्टेशियन फॉर्म ये बन जाएगी, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस वन का होल स्क्वायर इक्वल टू, ठीक है, आपका क्या रेडियस टू है तो टू का स्क्वायर, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी कार्टेशियन फॉर्म में, सर्कल की इक्वेशन,
तो ये इस फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखा जाता है, जेड माइनस जेड वन इक्वल टू ए, ठीक है ना। एक सबसे बहुत बेसिक है लूकस में, एक बहुत सारे मैं आपको बताऊंगा, चार पांच तो कम से कम है ही। दूसरा एक ये है देखो, सिर्फ पहले मैं मॉड का बताता हूँ, फिर मैं आर्ग्यूमेंट का बताता हूँ आपको, पहले मॉड का सारे बता देता हूँ। तो जेड माइनस जेड वन का मॉड इक्वल टू जेड माइनस जेड टू का मॉड, जैसे ये है यहां पर, ऑब्वियसली यहां पर आपका जेड वन एंड जेड टू आर फिक्स्ड, जेड वन और जेड टू को आप हिला नहीं सकते, बट जेड इज अ वेरिएबल, तो जेड को आपको मूव करना है, वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। अब देखो जरा इसको देखो, जेड वन को तो आपने फिक्स कर दिया, जेड टू को भी आपने फिक्स कर दिया, और जो जेड है ना वो इस तरह से मूव कर रहा है कि ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस हमेशा इक्वल हो एक दूसरे के, तो ये जेड अगर नीचे आ गया तब भी ये डिस्टेंस जो है इक्वल रहनी चाहिए, यहां आ गया तब भी ये इक्वल रहनी चाहिए, यानी कि जेड इस लाइन के ऊपर कहीं भी, जेड इस लाइन के ऊपर कहीं भी रह सकता है। ये जो लाइन बनेगी आपकी, ये आपकी बनेगी देखो ना ये, हाँ तो ये आपका जेड, जेड यहां भी हो सकता है, जेड यहां भी हो सकता है, और जेड इस लाइन पे कहीं भी हो सकता है, ठीक है ना। तो ये जो लाइन बनी है ये बनी है आपकी लोकस ऑफ जेड, तो इसका मतलब है कि ये क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, लाइन, ऑब्वियसली लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इसके अलावा इस लाइन की एक और खासियत है कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, भी है, विच इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दिस सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू। ये देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बन गई, देखो है ना, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट लोकस है, ठीक है। एक और मॉड पे, अब देखो यहां पर ही है, ये देखो अगर ऐसा कुछ किया जाए, ये कह रहा है कि जेड माइनस जेड वन प्लस जेड माइनस जेड टू, यानी कि जेड की दो पॉइंट से दूरी का सम, ये आपका कांस्टेंट होगा, ये ऐसा कुछ कह रहा है कांस्टेंट, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, अब ये देखो यहां पर ये क्या कह रहा है, सेम चीज है, इसको भी मैं लिख देता हूं, जेड इज वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड जेड वन एंड जेड टू आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये भी एक लोकस बना के देगा, और वो लोकस क्या बना के देगा, देखिए एक आपके पास जेड वन है जो कि फिक्स है, जेड टू आपका फिक्स है, और जेड आपका कहीं भी हो लेकिन ये वाली दूरी का और ये वाली दूरी का जो सम होगा वो कभी नहीं बदलेगा कह रहे हैं। तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब एक इलेप्टिकल पाथ में घूमे, ऐसे ऐसे इस इलेप्टिकल पाथ में घूमेगा तो जेड कहीं यहां पर भी, अगर आपका जेड यहां चले जाता है आपका जेड, तो ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस का सम इक्वल रहेगा, यही कह रहा है। देखो जेड, जेड की दूरी जो आपका वेरिएबल पॉइंट है उसकी दूरी जेड वन से, और उसी पॉइंट की दूरी वेरिएबल पॉइंट की जेड टू से, उनका जो सम है वो कभी नहीं बदलता, कह रहा कॉन्स्टेंट रहता है, और ऐसा होता है एलिप्स के केस में। तो इसका मतलब ये हुआ कि हियर इट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स, एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है विथ फोकाई, ये जो जेड वन और जेड टू है ना, ये इसके फोकाई का काम करेंगे, ठीक है ना। एंड ये जो कांस्टेंट, जो भी है ये कांस्टेंट, ये बन जाएगा आपका लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस बन जाएगा। यहां पर एक चीज और है, कंडीशन नेसेसरी है, ठीक है,
ठीक है ना। देखो एलिप्स है, दो तीन चीजें बता दूं, फोकाई फोकस हो गया और लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस, दो चीजें तो मिल गई, ये आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो ये आपकी मेजर एक्सिस हो गई, और इन दोनों के बिल्कुल मिड पॉइंट पर आ जाओ और ऐसे परपेंडिकुलर खींच दो तो ये आपकी माइनर एक्सिस हो जाएगी, और ये इसका सेंटर हो गया, इतना चीज तो ये होगी। देखो अब इसकी इसेंट्रिसिटी, भाई एलिप्स है तो इसेंट्रिसिटी भी होगी, इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है तो वो दोनों फोकस को के बीच का डिस्टेंस निकाल लो, और जो ये कांस्टेंट दिया हुआ है ना बाहर, ये जो जो भी कांस्टेंट दिया हुआ है, ये वाला कांस्टेंट, इस कांस्टेंट से डिवाइड कर दो, यानी कि Z1 - Z2 अपॉन लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। ये ठीक है ना, ये आपकी इसेंट्रिसिटी होती है, और आपको पता है कि जो इसेंट, अगर इसको मैं ई से नोट करूं तो जो ये इसेंट्रिसिटी होगी ये 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है ना। फाइनली नोट लिखिए। अब ये हर बार एलिप्स नहीं रिप्रेजेंट करता है, तो Z1 - Z1 + Z - Z2 इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स ओनली व्हेन Z1 - Z2 अपॉन 2a 1 से छोटा हो, ये कंडीशन है एलिप्स होने की, ठीक है ना। तो यहां पर दो इफ हो गए फिर, लेकिन अगर ऐसा हो कि Z1 - Z2 अपॉन 2a अगर इक्वल टू 1 हो गया, ठीक है ना, तो ये दूसरा इफ ये हो गया कि अगर ये मॉड, हाँ, Z1 - Z2 का मॉड अपॉन 2a अगर 1 से बड़ा हो गया तो यहां पर नो लोकस, कुछ भी नहीं बनेगा। लेकिन इस केस में जब Z1 - Z2, ठीक है, हाँ ये देखिए दोनों फोकस के बीच की दूरी, और जब ये कॉन्स्टेंट इक्वल हो जाएगा आपका तो ये आपका एक लाइन बनेगी यहां पर, ठीक है, लाइन भी नहीं बनती है, पार्ट ऑफ लाइन बनता है एक्चुअली, ठीक है ना, इक्वेशन लाइन की होती है लेकिन पार्ट ऑफ लाइन होता है वो, ठीक है नहीं। तो ये देखो ये ऐसा ही बिल्कुल सिमिलर एक हाइपरबोला का केस भी आ जाएगा, है ना, जिसमें ये है आपका, ऐसा कुछ बनेगा, देखो Z - Z1 - Z - Z2 का होल मॉड अगर कांस्टेंट बोलूं मैं, जैसे कांस्टेंट बोलूं, सेम चीज Z1 एंड Z2 आर फिक्स्ड, जेड इज वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर। इस केस में आपका जो जेड बन जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा हाइपरबोला, हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा वो, डिफरेंस है ना, डिफरेंस हो गया, देखो डिफरेंस ऑफ द डिस्टेंस ऑफ 2 पॉइंट्स, है ना। तो जब डिफरेंस की बात करते हैं तो हाइपरबोला बनता है, जब सम की बात करते हैं तो एलिप्स बनता है, विथ फोकाई बाकी सब कुछ सेम है, Z1 और Z2 आपका फोकाई का काम करेंगे, और जो ये कांस्टेंट राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है आपका, ये आपका बन जाएगा मेजर एक्सिस की लेंथ बन जाएगी, ठीक है ना। और इसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला भी यही है जो ऊपर लिखा था, वही फॉर्मूला वही रहेगा, क्या Z1 - Z2 अपॉन वो जो कांस्टेंट राइट हैंड में दिया रहेगा वो कांस्टेंट, ठीक
लेकिन वह जो इसेंट्रिसिटी होगी वो वन से बड़ी होगी, ठीक है ना। बस नोट लिखिएगा, नोट ये है कि ये जो इक्वेशन मैंने बनाई जेड माइनस जेड वन माइनस जेड माइनस जेड टू का होल मॉड इक्वल टू कॉन्स्टेंट रिप्रेजेंट्स अ हाइपरबोला इफ आपका इस बार क्या होना चाहिए, जो जेड वन माइनस जेड टू है अपॉन टू ए ये वन से बड़ा होना चाहिए। तो यहां भी दो केस आ गई, जेड वन माइनस जेड टू अपॉन टू ए अगर वन से छोटा हो गया तो कुछ भी नहीं बनेगा, और अगर ये इक्वल हो गया तो ये एक लाइन बनती है, ऑब्वियसली पार्ट ऑफ लाइन बनती है, ठीक है ना। बाहर की तरफ को ऐसे रेज निकले, जेड वन और जेड टू से बाहर की तरफ को रेज निकलते हुए नजर आएंगे आपको, ठीक है ना। तो देखो ये मॉड का, एक मॉड का यहां भी इस्तेमाल हुआ। एक केस ये बनता है, देखिए जेड माइनस, ध्यान से देखिएगा इसको, जेड माइनस जेड वन का स्क्वायर है, जेड माइनस जेड टू का स्क्वायर है, और ये कह रहा है जेड वन माइनस जेड टू का स्क्वायर, और सेम है कंडीशन, सेम है कि जेड वन एंड जेड टू आर फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब हुआ कि अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे, और जेड इज अ वेरिएबल, जेड अपनी जगह नहीं रहेगा, वो मूव करता रहेगा। ठीक है ना। अब ये देखिए क्या रिप्रेजेंट करता है, अगर मैं इस फिगर को देखूं, देखो क्या करना चाहिए ना, फिगर को कैसे देखना चाहिए, इसको फिगर में कैसे डालना चाहिए। बोलता है जेड वन और जेड टू फिक्स्ड है, जेड वन जेड टू फिक्स कर दो और जेड को रखो कहीं और मूव करवाना है उसको, और ये कह रहा है कि ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर और ये वाला डिस्टेंस का स्क्वायर इस वाले डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल है अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये तो पाइथागोरस थ्योरम बोल रहा है सीधे से, है ना, ठीक है। नहीं तो ये वाला डिस्टेंस आपका हो जाएगा z माइनस z1 का मॉड, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा z1 माइनस z2 का मॉड, ये वाला डिस्टेंस हो जाएगा z माइनस z2 का मॉड। ये कह रहा है ये डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये डिस्टेंस का स्क्वायर इक्वल टू ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं तो जो आपका एंगल है ना जेड वन जेड जेड टू, ये जो एंगल है ये 90 डिग्री हो जाना चाहिए, ये 90 डिग्री होना चाहिए इस हिसाब से, तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। और इसका मतलब ये हुआ, देखो जेड तो वेरी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज जेड कहाँ लाई करेगा, लाई ऑन अ सर्कल, एक सर्कल पे लाई करेगा हुज, हाँ देखिए अब यहां से देखिए आप, तो ये एक ऐसे सर्कल पे लाई करेगा क्योंकि 90 डिग्री बनाना है इसको, तो सर्कल पे ही लाई करेगा, तो हुज डायमीटर इज, हम डायमीटर को बोल सकते हैं, तो हुज डायमीटर इज द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग जेड वन एंड जेड टू, तो जेड वन जेड टू डायमीटर का काम करेगा। तो इसका मतलब रेडियस क्या हो गया, इसका रेडियस हो जाएगा इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं, जेड प्लस जेड, जेड वन प्लस जेड टू बाई टू, ये आ गया। मिड पॉइंट थोड़ी निकालना है मुझे, उसकी लेंथ निकाल, रेडियस तो लेंथ होती है ना, पॉइंट निकालने की जरूरत नहीं है। तो लेंथ निकालने के लिए तो मॉड का इस्तेमाल करना पड़ता है, और लेंथ का कॉन्सेप्ट होता है कि जेड वन माइनस जेड टू का मॉड करूंगा तो मुझे डायमीटर मिल जाएगा, इसका आधा कर देते हैं। हाँ अगर उसने सेंटर निकालने को बोला होता, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने को बोले होते तो आप जेड वन प्लस जेड टू बाई टू कर देते, मिड पॉइंट आ जाता इसका, सेंटर भी आ जाता, तो रेडियस भी आ गया, देखो सेंटर भी आ गया, ठीक है ना। हाँ मॉड पे बहुत सारे लोकस, लोकस स्टैंडर्ड लोकस बनते हैं, जैसे एक ये है, ये कह रहा है कि जेड माइनस जेड वन इक्वल टू के टाइम्स जेड माइनस जेड टू,
और के बोलता है कि वन नहीं होना चाहिए, तो इस केस में इट आपका ये रिप्रेजेंट करता अ सर्कल, एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। और यहां पर जेड वन एंड जेड टू आर इनवर्स पॉइंट ऑफ दी सर्कल, ठीक है ना। यानी कि ओ से जेड वन की दूरी और ओ से जेड टू की दूरी का जो प्रोडक्ट होगा वो रेडियस के स्क्वायर के इक्वल होगा, ठीक है ना। तो ये मॉड के कुछ स्टैंडर्ड लोकस थे, ठीक है ना। अब ऐसी दो तीन लोकस मैं आपको आर्ग्यूमेंट के बताता हूं, ठीक है ना। जैसे सपोज आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आर, जैसे आपको पता है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एक एंगल होता है, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा, तो इसका मतलब ये जेड वेरिएबल है, जेड इज अ वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर एंड थीटा इज अ कॉन्स्टेंट एंगल, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो अगर मैं ऐसे देखूं तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड का मतलब होता है कि जैसे मान लो जेड है, ओरिजिन से जोड़ दो तो ये एंगल इसका थीटा रहना है। अब ये जेड कहाँ लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर सकता है, यहां भी लाई कर, कहीं भी लाई कर सकता है आपका जेड, और आगे बढ़ा दो इसी लाइन के ऊपर, तो जेड तो कहीं भी लाई कर सकता है, लेकिन यहां लाई नहीं कर सकता, यहां लाई नहीं कर सकता। तो यानी कि इस ओरिजिन के राइट एंड ऊपर की तरफ को थीटा एंगल बना के कहीं भी लाई कर सकता है। तो इसका मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो जेड है आपका, ये रिप्रेजेंट कर रहा है और रे ओरिजिनेटिंग एट ओरिजिन, ओरिजिन पे जाके ओरिजिनेट कर रहा है एंड मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। तो रियल एक्सिस के साथ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो देखो ये। उसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन इक्वल टू थीटा, अब ये जेड एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है एंड जेड वन इज फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर, थीटा इज अ कॉन्स्टेंट एंगल, याद रखना कॉन्स्टेंट तो है लेकिन वो एक एंगल है। हाँ, थीटा का मतलब एंगल है, आर्ग्यूमेंट मतलब एंगल है। तो देखो इसको अगर हम देखें फिगर में, तो सपोज ये जेड वन है, अब यहां से जेड कहीं ऐसी जगह पर है कि वो एंगल जो है ना वो थीटा ही बना बन रहा है एक्स एक्सिस के साथ, है ना। इसको आगे बढ़ा दूंगा अगर मैं, तो ये एंगल भी आपका थीटा ही होगा ना, ये आपका रियल एक्सिस है, ये आपका इमेजिनरी एक्सिस है, ये देखिए ये आपका थीटा है। देखो तो यानी कि जेड आपका इस तरफ को, जेड तो कहीं तक भी ले जाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, बैकवर्ड नहीं आएगा। तो यानी कि सिमिलर वे में ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, और रे, ये भी एक रे रिप्रेजेंट कर रहा है लेकिन ओरिजिनेटिंग एट ओरिजिन की जगह जेड वन पे ओरिजिनेट कर रहे हैं एंड मेकिंग एंगल थीटा विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस, पॉजिटिव रियल एक्सिस एक्सिस के साथ जब हम उसको बैकवर्ड ऐसे वर्चुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं तो थीटा एंगल दिख रहा है आपको, चाहे यहां दिखाओ चाहे यहां दिखाओ। तो ये आर्ग्यूमेंट के दो हैं। अब
उसके बाद जो पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, यहां समराइज कर रहा हूं एक तरह से मैं, एक ये था देखिए, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड माइनस जेड टू इक्वल टू अल्फा। ये देखिए सेम चीज, अल्फा कोई फिक्स्ड एंगल है, ठीक है ना, जेड वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड जेड वन एंड जेड टू आर अगेन ये भी फिक्स्ड कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है ना, अब ये क्या रिप्रेजेंट करता है ध्यान से देखिएगा इसको। अब कैसे कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं, जो फिक्स है उसको फिक्स कर दो, जेड वन और जेड टू फिक्स कर दो, और जेड को कहीं रखो फिलहाल के लिए रखो, और ये जो एंगल बन रहा है देखो, जेड पर एक एंगल बना रहा है, जेड वाई जेड टू माइनस जेड इसको जोड़ने वाली लाइन और जेड वन को जोड़ने वाली लाइन एक कॉन्स्टेंट एंगल बना रही है, और ये जेड को अपनी पोजिशन भी बदलना है लेकिन बिना एंगल बदले। तो अगर मैं इस जेड को यहां पर ऐसे घुमा दूं, इस सर्कुलर आर्क में घुमा दूं ऐसे है, तो यानी कि इस वाले हिस्से में आपका जेड कहीं भी लाई करे तो आपका एंगल तो अल्फा ही बना रहेगा, लेकिन अगर आप इस वाले सर्कुलर रीजन में आ जाओगे तो आपका जो एंगल है वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा। तो यानी कि आपको यहां तो नहीं आना है, अगर आप यहां नहीं ले सकते क्योंकि एंगल बदल जाएगा, वो आपको एंगल नहीं बदलना है, फिक्स रखना है एंगल को। तो इसका मतलब है कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला सर्कुलर आर्क, आर्क ऑफ अ सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्क ऑफ अ सर्कल का, ठीक है ना ये चीज। और यहीं पर ही अगर देखो, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, यहां पर नोट में लिख देते हैं इसको। हाँ, केस वन, अगर अल्फा आपका 90 डिग्रीज है, अगर अल्फा अगर 90 डिग्रीज है तो आपका जो लोकस होगा ऊपर वाला, ये इसी इक्वेशन की बात हो रही है, ये रिप्रेजेंट करेगा, देखिए 90 डिग्री होगा ना, तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, तो नीचे वाला रीजन भी ओपन हो गया, तो इट रिप्रेजेंट्स अ सर्कल, है ना, पूरा सर्कल रिप्रेजेंट करेगा विथ जेड वन एंड जेड टू एज वर्टेसेस ऑफ द डायमीटर। ठीक है ना, दूसरा केस ये हो सकता है, अगर अल्फा आपका 90 से बड़ा हो तो आपको मिलेगा, अल्फा अगर 90 से बड़ा हो तो आपको माइनर आर्क मिल जाएगी, अगर अल्फा आपका 90 से छोटा हो तो आपको मेजर आर्क मिल जाएगी, ठीक है ना, अगर अल्फा आपका 0 डिग्री हो, ठीक है ना, अल्फा अगर 0 डिग्री हो तो ना ये ऐसे मिलेगा आपको, जेड वन और जेड टू से आपका जेड ऐसे बाहर की तरफ को लाइंस मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना, और अगर अल्फा आपका 180 डिग्रीज हो तो आपको ना ये लाइन का वो हिस्सा मिलेगा जो ये वाला है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा और यहाँ पर आपको ये वाला हिस्सा नहीं मिलेगा, ठीक है ना, ऊपर वाले में आपको ये बाहर की तरफ को आते हुए रेज मिल जाएंगे, ये इस वाले में आपको अंदर का हिस्सा मिलेगा, ठीक है ना।
तो ये आपके कुछ स्टैंडर्ड लोकस थे देखिए इस पर बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा फिर आगे बताऊंगा आपको आगे का टॉपिक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। हाँ जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट्स इन द ऑरिजिन प्लेन, या एक काम करिए फाइंड नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाई करेंगे इसको आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री आई इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर, और दूसरा है आर्ग्यूमेंट ऑफ टू जेड प्लस वन माइनस टू आई इक्वल टू पाई बाई फोर। कह रहा है ये दो, अब या देखो जेड एक वेरिएबल है ना, जेड एक वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो एक कर्व बनेगा ना, दो कर्व बनेंगे यहां पर, तो उनके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं जितने पॉइंट पर दोनों कर्व इंटरसेक्ट करेंगे उतने सॉल्यूशंस होते हैं। अब ये आर्ग्यूमेंट वाला है, आर्ग्यूमेंट वाला है, और ये एंगल्स दिया हुआ है देखो, तो मैं देखूंगा पहले मैं इनको प्लॉट करूंगा, दोनों कर्व को प्लॉट करूंगा। ये रियल एक्सिस मैंने यहां प्लॉट किया है और ये इमेजिनरी एक्सिस मैंने यहां प्लॉट किया है, ठीक है ना। अब ये ऊपर वाला बोल रहा है जेड, अब अभी पीछे मीनिंग पढ़ो, जेड माइनस थ्री आई यानी कि जीरो कॉमा थ्री आई, तो यानी कि जीरो कॉमा थ्री पे एक रे इमर्ज कर रहा है जो एंगल बना रहा है थ्री पाई बाई फोर, किसके साथ, एक्स एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ थ्री पाई बाई फोर मतलब 90 से बड़ा, तो ये ऐसे निकल गया रे इधर की तरफ को, ठीक है ना, ये वाला इधर को निकल गया, रे होती है आर्ग्यूमेंट। और दूसरा वाला तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस थ्री आई इक्वल टू थ्री पाई बाई फोर इज अ रे, मैं यहां बार बार लिखूंगा नहीं, इज अ रे ओरिजिनेटिंग एट, जो ऊपर मैंने मीनिंग लिखवाई थी, तो ओरिजिनेटिंग एट जीरो कॉमा थ्री एंड मेकिंग एंगल थ्री पाई बाई फोर 90 से बड़ा है विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। ये मैंने देखो ऊपर सेम चीज लिख दी, तो ये बन गया। दूसरा वाला जो है सेकेंड वाला, इसको मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, ये कह रहा है कि आर्ग्यूमेंट ऑफ टू कॉमन ले लेते हैं, जेड प्लस वन बाई टू माइनस आई इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है, हैं? तो इसको ऐसा ले सकता हूं ना मैं, आर्ग्यूमेंट की प्रॉपर्टी, आर्ग्यूमेंट ऑफ टू प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस वन बाई टू प्लस आई इक्वल टू पाई बाई फोर, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, टू को बाहर निकाल देते हैं वहां से। हाँ उसके बाद क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ टू तो जीरो होता है, रियल नंबर का आर्ग्यूमेंट जीरो होता है, तो यहां पर केवल बच गया आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस माइनस वन बाई टू प्लस आई इक्वल टू पाई बाई फोर। यानी कि अब इसको अगर मैं ज्योमेट्रिकली प्लॉट करूं तो ये है अरे ओरिजिनेटिंग एट माइनस वन बाई टू कॉमा वन एंड मेकिंग एंगल 45 डिग्रीज विथ पॉजिटिव रियल एक्सिस। इसी को अगर मैं ऊपर बना लूं फिगर में, तो ये 0.3 था, माइनस वन बाई टू कॉमा वन कहीं यहां आएगा, और 45 डिग्रीज एंगल पे वो यूं जा रहा है, तो कोई, तो इसका मतलब है कि नो इंटरसेक्शन, कोई भी इंटरसेक्शन नहीं हुआ, तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन,
इंटरसेक्शन नहीं होगा तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ये चीज हो जाए देखो। yes, तो ज्योमेट्रिकली हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है ना। दो एक और करते हैं। ये कह रहा है फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड हैविंग लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट, लीस्ट पॉजिटिव आर्ग्यूमेंट एंड सेटिस्फाइंग जेड माइनस फाइव आई इज लेस देन इक्वल टू थ्री, ऐसा कुछ कह रहे हैं। अब जरा इसको अगर हम प्लॉट करें, इस ये जेड माइनस जेड वन का मॉड, मतलब एक डिस्टेंस की बात हो रही है, जेड वेरिएबल है तो एक सर्कल बन जाएगा। देखिए ये ऐसे एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे बनाया जाए कि 0.5 ऐसे यहां पर बनाया मैंने, और ऊपर की तरफ थोड़ा बड़ा कर देते, ऊपर की तरफ बन रहा ना फिगर पूरा ऐसे। रियल एक्सिस इमेजिनरी एक्सिस, तो एक सर्कल बन रहा है 0.5 पे, 0.5 पे सेंटर बन रहा है और 3 यूनिट्स का एक ऐसे सर्कल बन रहा है, ये 3 यूनिट रेडियस का सर्कल। अब आपका जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इसके अंदर है, लेस देन का मतलब होता है अंदर और ऊपर, तो जेड कहीं भी हो सकता है। और आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे लीस्ट, आर्ग्यूमेंट होता है सेंटर से ओरिजिन से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ो जो एंगल बनाएगा वो एक्स एक्सिस के साथ या रियल एक्सिस के साथ, वही आर्ग्यूमेंट कहलाता है। अब देखिए आप कितने भी लाइन है जोड़ो, ये जो इससे छोटा एंगल आपको नहीं मिल सकता है, इससे छोटा एंगल आपको नहीं मिल सकता है। तो यानी कि सबसे छोटा एंगल आपको कब मिलेगा, जब आपकी आपका कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर होगा, टेंजेंट यहां पर अगर आपका कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट सबसे छोटा होगा। और वैसे पूछा नहीं है, इस वाले जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ये वाला जो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो सबसे बड़ा होगा। इससे बड़ा अगर आप आर्ग्यूमेंट लोगे तो वो रोटेट करके इससे बाहर आ जाएगा, है ना, सर्कल के बाहर आ जाएगा। तो सर्कल के मुझे एक एंड पे एक टेंजेंट बनाना है, दूसरे एंड पे दूसरे टेंजेंट, क्योंकि मुझे लीस्ट पूछा है तो मुझे इस पर फोकस करना है, मुझे ये एंगल निकालना है थीटा। अब यहां पर देखो सिंपल हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री लग जाएगी, यहां से इसको जोड़े तो ये परपेंडिकुलर, ये लेंथ आपको 3 दी हुई है, ये लेंथ आपको 5 दिया हुआ है बस, और ये एंगल आपका थीटा, ये एंगल आपको निकालना है। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लो, ये थीटा ये 90 माइनस थीटा, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये भी थीटा, सिंपल खत्म कहानी, एक ही लाइन पर आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर हम ये करें, देखो इस वाले के हिसाब से बेस, यानी अगर मैं कॉस थीटा बोलूं तो कॉस थीटा हो गया बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है ना, ये 4 हो जाएगा आपका ये वाला लेंथ पाइथागोरस थ्योरम से। तो साइन थीटा हो गया 4/5, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ जेड, किसी भी जेड को हम कैसे लिख सकते हैं, मॉड ऑफ जेड ई आई थीटा लिख सकते हैं, और मॉड ऑफ जेड ये रहा 4 और ई आई थीटा, थीटा की वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, 4 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। देखिए कॉस थीटा की वैल्यू भी आपके पास तैयार है पहले से ही 3/5, और साइन थीटा की वैल्यू भी तैयार है आपके पास 4/5, एलसीएम निकाला तो बस आपका आंसर आ गया 4/3 = 12/5 प्लस 16/5 आयोटा। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेट ऑफ उस पॉइंट, क्या पूछा था, कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा था, तो ये आ गया वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका आर्ग्यूमेंट इस सर्कल के अंदर
या ऊपर जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे सबसे छोटा आर्गुमेंट इसका होगा, ये पूछ रहा है। ठीक है ना, तो मैंने इसमें यूलर फॉर्म यूज कर लिया, ठीक है ना, आप सिंपल ट्रिग्नोमेट्री भी यूज कर सकते थे। ये देखो, और लेते हैं, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये कह रहा है कि इफ जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग जेड माइनस वन इक्वल टू वन, यानी एक सर्कल पे लाई कर रहा है ना, देन प्रूव दैट जेड माइनस टू अपॉन जेड इक्वल टू आई टेन आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ऐसा ये कह रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, ये ऐसा कुछ बोल रहा है प्रूव करने। ठीक है ना, अब देखो, हाँ जेड माइनस टू बाई जेड, अब देखो यहां पर ना आपका जो जेड है ना, जेड माइनस वन, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, जेड अगर वेरिएबल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्कल जिसका सेंटर है ना, यहां भी बताओ, उसका सर्कल है जिसका सेंटर आपको मिल रहा है, देखो वन, तो वन कॉमा जीरो इसका सेंटर है और आपका रेडियस आपको वन मिल रहा है। तो अगर मैं इसको प्लॉट कर दूं ऐसे, तो एक सर्कल जिसका सेंटर वन कॉमा जीरो है, यहां ले लेते हैं वन कॉमा जीरो और रेडियस वन है, तो सर्कल कुछ ऐसे ही गया आपका, ठीक है ना, टू कॉमा जीरो, ये टू कॉमा जीरो हो जाएगा आपका, ये जीरो कॉमा जीरो हो जाएगा, और जेड एक वेरिएबल है, जेड को यहां लगा देते हैं ऐसे करके, जेड जेड को यहां लगा देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, ये वाला एंगल अगर हम थीटा ले लें, इसको जोड़ देते हैं, ये एंगल आपका 90 डिग्री हो गया, क्योंकि देखो डायमीटर है, ये एंगल आपकी 90 डिग्रीज हो गई। अच्छा यहां पर देखो, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड मैंने थीटा लिया हुआ है, ये देखो थीटा जो है आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो गया, ये आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है। अब जेड माइनस टू अपॉन जेड निकालना है मेरे को, जेड माइनस टू अपॉन जेड है कि नहीं, ये देखिए, ठीक है ना, तो और तो जेड माइनस टू अपॉन जेड, हाँ क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस जीरो, ठीक है ना, तो जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस जीरो, और इसको मैं ऐसे ले सकता हूं, जेड माइनस टू का मॉड अपॉन जेड माइनस जीरो का मॉड ई आई, ठीक है ना, 90 डिग्री पाई बाई टू ऐसे करके, तो जेड माइनस टू अपॉन जेड इक्वल टू जेड माइनस टू ई आई पाई बाई टू, तो खाली आई हो गया आपका, और ये बच गया जेड माइनस टू अपॉन जेड माइनस जीरो, यानी कि आई फिगर के हिसाब से इसका नाम कुछ रख देते हैं ओ, इस पॉइंट को ए रख देते हैं, इस पॉइंट को बी रख देते हैं, ठीक है, तो यानी कि जेड माइनस टू किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जेड माइनस जीरो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ओ ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप ये बताइए ए बी अपॉन इस थीटा के रेस्पेक्ट में ए बी अपॉन ओ ए क्या होगा, टेन थीटा, तो आई टेन थीटा, ये हो गया आई टेन हो गया, और थीटा क्या है आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड है, देखो थीटा को आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड लिया हुआ, यहां पुट कर दिया, देखो
ठीक है ना, ये तो मैंने देखो ज्योमेट्री यूज करी है। अगर ज्योमेट्री नहीं यूज करोगे तो सीधे कैसे करना होगा, देखो विदाउट ज्योमेट्री तो विदाउट ज्योमेट्री अगर आप करोगे तो देखो जेड माइनस वन का मॉड दिया हुआ है आपको, ठीक है ना। तो मैं क्या करूंगा, जेड माइनस वन का आर्ग्यूमेंट एज्यूम कर लेता हूं। तो जेड माइनस वन को मैं ऐसे लिख लेता हूं, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। मैंने जेड माइनस वन को कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिख लिया, जेड माइनस वन को, ठीक है ना। एक क्या फर्क पड़ता है ना, मॉड ये कॉम्प्लेक्स नंबर इसका मॉड है, और मैंने इसको ना ये किया है, देखिए आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड माइनस वन को मैंने थीटा लेट कर लिया है। तो जेड माइनस वन इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, लेकिन मुझे तो जेड माइनस टू चाहिए। तो जेड माइनस टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस टू हो जाएगा, तो मैंने क्या किया, एक माइनस और कर दिया, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा माइनस वन, सही है। तो यहां से जेड की वैल्यू क्या होगी, जेड की वैल्यू हो जाएगी वन को यहां ले जाओ तो वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। बिल्कुल सिंपल ट्रिग्नोमेट्री है, सिंपल मतलब कुछ नहीं। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, ये फर्स्ट ले लो ये सेकंड ले लो, तो जेड माइनस टू अपॉन जेड इक्वल टू ऊपर आ गया तुम्हारे पास। एक काम करो, माइनस पहले लो माइनस वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये लो बस। सिंपल इसको कैलकुलेशन कर दो इसका, ये हो जाएगा तुम्हारे पास जेड माइनस टू हो जाएगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस टू आई साइन थीटा बाई टू, को हाफ एंगल फॉर्मूला ऊपर लगा दिया नीचे भी लगा दिया जाए, टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू प्लस आई टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ऊपर नीचे कॉमन लोगे टू टू कट जाएगा, है ना। तो ये सीधे आ जाएगा तुम्हारे पास टू कॉस थीटा बाई टू, हाँ तो साइन और कॉस है कि नहीं, माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, ऊपर आ गया माइनस टू साइन थीटा बाई टू, ले लेते हैं साइन थीटा बाई टू। एक काम करो, माइनस लेने का फायदा नहीं है, प्लस कॉमन ले लेते हैं, और ये बन जाएगा आपके पास क्या, साइन थीटा बाई टू माइनस साइन के साथ और प्लस आयोटा कॉस थीटा बाई टू, और नीचे वाले में हम टू कॉस थीटा बाई टू ले लेते हैं, और ये सिंपल सा बन जाएगा कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू। सिंपल कैलकुलेशन है, जो कट रहा है उसे काट लेते हैं, जो बच रहा है उसे बचा लेते हैं। टू से टू कट गया आपके पास, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू हो गया, ठीक है ना। और यहां पर आपका पास बन गया, अच्छा यहां से आयोटा बाहर निकाल लेते हैं, और यहां से ये आ जाएगा आपके पास, आयोटा जब कॉमन लोगे आप तो कॉस थीटा बाई टू प्लस आयोटा साइन थीटा बाई टू, और नीचे ऑलरेडी कॉस थीटा बाई टू है आयोटा साइन थीटा बाई टू, मतलब रैशनलाइज कर लिया नीचे वाले को, ऐसे समझ लो कट गया। तो ये हो गया आयोटा टेन थीटा बाई टू, ठीक है ना, आयोटा टेन थीटा बाई टू। तो ये बच गया आयोटा, और ये टेन और थीटा बाई टू आपका आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा, ठीक है ना, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा बाई टू ऊपर निकाला हुआ है। अच्छा मैंने एक साथ निकाल दिया, देखो जो नीचे वाला जेड है ना उसको अगर ऐसे लिखोगे तो ये नीचे देखो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, जो आपका जेड है ना वो ये ऐसे लिखा था मैंने, वन प्लस कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो जेड लिख दिया था टू कॉस थीटा बाई टू प्लस आई साइन थीटा बाई टू। तो जेड इक्वल टू ये आपका आर हो गया, ये ई आई थीटा हो गया,
थीटा की जगह थीटा बाई टू, ये आर्ग्यूमेंट हो गया आपका डायरेक्ट, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हो जाएगा थीटा बाई टू आपका। देयरफॉर आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा बाई टू, इसको यहाँ पुट कर दिया मैंने, ये देखिए ये है आपका कुछ बेसिक ज्योमेट्री। एक चीज और बताऊंगा, हाँ डी वॉक्स थ्योरम थोड़ा सा ठीक है ना, डी मॉर्गन थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन ठीक है ना। हम कॉम्प्लेक्स नंबर को जब पोलर फॉर्म में यूज करते हैं तो मुझे अगर बहुत बड़ी पावर, कॉम्प्लेक्स नंबर की बहुत बड़ी पावर निकालनी हो तो यहां पर डीमॉर्गन थ्योरम यह है कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा जब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दोगे कॉम्प्लेक्स नंबर को तो मॉड के अलावा ये मॉड तो रियल नंबर हो गया, ये चीज आ जाएगी cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसकी पावर अगर n हो तो इसको एक ही स्टेप में हम सॉल्व कर सकते हैं cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, लेकिन यहां पर आपका जो n होगा ठीक है ना वो आपका होल नंबर के लिए तो डेफिनेटली ट्रू है ठीक है, होल नंबर मत लिखो, एक काम करते हैं इंटीजर लिख लेते हैं, n बिलोंग्स टू इंटीजर्स के लिए ये ट्रू हो गए cos theta plus i sin theta ठीक है ना। तो cos theta plus एक और चीज है कि हमने पढ़ा था cos theta plus i sin theta को मैं ei theta भी लिख सकता हूं, तो यानी कि अगर आप cos theta plus i sin theta की पावर n करते हो तो बेसिकली आप ei theta की पावर n करते हो, तो ये i n theta बन जाता है, तो इसको हम लोग cos n theta plus i sin n theta भी लिख सकते हैं ऐसे ठीक है ना। लेकिन इसका एक चीज ये तो हो गया, एक ये हो गया कि cos theta plus i sin theta की पावर अगर फ्रैक्शन में हो p by q हो ठीक है ना, तो उस केस में हम लोग cos p by q theta plus i sin p by q theta is one of the q possible values होती है, मतलब ये एक वैल्यू होती है, बहुत सारी वैल्यूज निकलेंगी, मतलब अगर आपका जो पावर है अगर फ्रैक्शन में है तो आपकी एक से ज्यादा वैल्यूज निकलेंगी, इसको एक्सपेंड करने पे एक से ज्यादा वैल्यूज आपको निकलेगी, ये मतलब हुआ इसका ठीक है। तो बाकी वैल्यूज कैसे निकलेंगे, अब सवाल ये है हाउ टू फाइंड अदर वैल्यूज, मैंने बोला ना एक से केवल एक ही पॉसिबल वैल्यू है वन ऑफ द, तो बाकी क्या होंगे, हाउ टू फाइंड अदर वैल्यूज, तो इसके लिए डी मॉर्गन थ्योरम को ही यूज करते हैं लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करके ठीक है ना, स्लाइटली इसको मॉडिफाई करते हैं, और वो कैसे करते हैं देखिए, कुछ खास नहीं है, हम लोग क्या करेंगे cos थीटा प्लस i sin थीटा की पावर p by q है, थीटा प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा तो उसको जनरलाइज कर देंगे ऐसे cos थीटा प्लस 2 pi k, cos का पीरियड प्लस i sin थीटा प्लस 2 pi k इसमें ऐड कर देंगे, उसके बाद आपकी जो पावर होगी p, उसके बाद देन यूज डीमॉर्गन, उसके बाद आपने डीमॉर्गन थ्योरम यूज करना है, तो ये बन जाएगा आपका cos p अपॉन q थीटा प्लस 2 पाई के प्लस i sin
पी बाई क्यू थीटा प्लस टू पाई के, वेर, और ये जो के होगा ना इसकी वैल्यू कोई भी क्यू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स पुट कर दोगे आप, तो बेस 0, 1, 2 से लेकर क्यू माइनस वन तक कोई भी वैल्यूज, सारी वैल्यूज पुट करोगे तो आपको सारे मिल जाएंगे जितने भी इनके इसकी वैल्यूज होगी, ठीक है ना। इसी में अगर के की जगह अगर हम 0 पुट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है, देखो ये वाली वैल्यू कब आती है, जब के की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो ऊपर वाली वैल्यू आ जाती है। तो उसी तरह से 1 पुट करना है, 2 पुट करना है, 3 पुट करना है, 4 पुट करना है, बाकी सब भी पुट करना है, ठीक है ना। तो ये आपका डीमॉर्गन थ्योरम इस तरह से यूज होगा, दो तरह से यूज होगा। अब इसका जो एप्लीकेशन है, ठीक है ना, उसका एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा। बहुत जगह एप्लीकेशन है, तो इसका जो एप्लीकेशन है ना वो एप्लीकेशन मैं आपको दिखाऊंगा यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी या एनएथ रूट ऑफ यूनिटी निकालने में। तो इसी दो एक साथ दो काम हो जाएंगे, हैं। तो हेडिंग हम डालते हैं एनएथ रूट ऑफ यूनिटी डालते हैं, यूनिटी ये हेडिंग डालते हैं हम लोग। और पहले हम बात करेंगे क्यूब, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पहले हम उसको पूरा डिस्कस करेंगे फिर उसको जनरलाइज करेंगे। तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी कि बेसिकली क्यूब रूट ऑफ 1 निकालने हैं। अब इसके तीन वैल्यूज आएंगे, ठीक है ना। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी अगर फोर्थ रूट बोलेंगे तो चार वैल्यूज आएंगे, तो पावर फ्रैक्शन में हो गए ना, यानी बेसिकली आप 1 की पावर 1/4, 1/3 निकाल रहे हो, यही तो मतलब होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, 1 की पावर 1/3। तो हम क्या करेंगे बेसिकली 1 जो है ना, 1 भी तो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। मैं यहां लिख देता हूं सामने, कन्वर्ट 1 इनटू पोलर फॉर्म। 1 एक रियल नंबर है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट होगा वो 0 होगा, तो mod 1 ही होगा। तो cos 0 प्लस i sin 0 की पावर 1/3, cos 0 प्लस i sin 0 की पावर 1/3। अब क्योंकि पावर फ्रैक्शन में है इसलिए डायरेक्ट नहीं लगा सकते डीमॉर्गन थ्योरम, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको जनरलाइज करना पड़ेगा। cos 0 पे जो भी एंगल है 2 पाई की ऐड कर दो उसमें, आयोटा sin 0 है उस पर भी 2 पाई के, दोनों में एक ही एंगल होना चाहिए, और 1/3। अब लगा दो डीमॉर्गन थ्योरम, तो ये बन जाएगा cos 2 पाई के by 1/3 प्लस आयोटा sin 0 हटाई देते हैं ना, 0 लिखने के क्या मतलब है, by 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। यस, तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं ना, ei 2 पाई k/3 ऐसा भी ले सकता हूं, ऐसा भी ले सकता हूं ei 2π3 की पावर k, है ना। तो यानी कि याद रखने का तरीका, यानी कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपको मिल गई ei 2π/3 की पावर k, वेयर k की वैल्यू आप 0 डाल दो, 1 डाल दो और 2 डाल दो, बस केवल तीन वैल्यूज डालनी है। अच्छा, इनके अलावा क्या डाल सकते हो आप, कोई भी तीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज डाल दोगे तो काम चल जाएगा, ठीक है ना भाई। अब मैं क्या करता हूं, इनकी वैल्यूज निकालता हूं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, पहले मैं के की जगह पर 0 डालूंगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा, पहली वैल्यू आ रही है 0, के इक्वल टू 0 पुट कर रहा हूं, तो हो जाएगा ई आई 2π/3, इसको खोल दो, cos 2π/3 प्लस आयोटा sin 2π/3, और इसकी वैल्यूज पुट कर दो, ये -1/2 प्लस आयोटा √3/2, ये देखो ये आ गया। अच्छा, मैं
के की वैल्यू जीरो डालने पे तो ये वन हो जाएगा ना, के की वैल्यू जीरो डालने पे ये आपका वन आ जाएगा। और ये मैंने सेकंड वाला निकाला है, के की वैल्यू वन डाली है इस पे, और अब मैं के की वैल्यू अगर टू डालूं तो ये बन जाएगा आपका ई आई फोर पाई बाई थ्री। देखो टू पुट कर दिया ना इसमें, यहाँ पर टू पुट कर दिया तो टू टू या फोर पाई बाई थ्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी कॉस फोर पाई बाई थ्री प्लस आई साइन फोर पाई बाई थ्री। सॉल्व करोगे तो ये माइनस वन बाई टू आएगा, माइनस आयोटा ये रूट थ्री बाई टू आ जाएगा। भैया इसको हम लोग जनरली ओमेगा से डिनोट कर लेते हैं और इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर से डिनोट करते हैं। तो हम लोग ये बोल ऐसे लिखते हैं, तो क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आर, वन तो रियल हो गया, ओमेगा हो गया और एक ओमेगा स्क्वायर हो गया, ये तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गई। और ओमेगा क्या है, ये है ओमेगा, ये ओमेगा है, ये ओमेगा है, ये ओमेगा स्क्वायर हो गया, उसकी वैल्यू ये हो गई, ठीक है ना, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये तीन क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी हो गए, ठीक है ना। ये वाला स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ई आई टू पाई बाई थ्री। अगर फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो ना तो थ्री की जगह फोर पुट कर दो बस खाली, और अगर फाइव रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो ना तो थ्री की जगह फाइव पुट कर दो, अगर टेंथ रूट ऑफ यूनिटी निकालना हो ना तो थ्री की जगह टेन पुट कर दो, ऊपर टू पाई रहेगा। जो जिस भी ऑर्डर का रूट निकालना हो आप बस ये इसको चेंज करते चले जाओगे। हम इसको जनरलाइज कर दूंगा तो आपके, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ, दो प्रॉपर्टीज तो इसकी बहुत याद रखनी है, रखनी है आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, दो रियल है, नहीं एक रियल है वन और दो इमेजिनरी है, ठीक है ना। पहली चीज क्या है, वन रियल रूट, एक तो रियल रूट्स आया एंड टू इमेजिनरी रूट्स, ऊपर देख लो, ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सारी रिप्रेजेंटेशन है, वास्तव में वो वैल्यू ये है, हाँ माइनस वन बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू। अच्छा अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि ओमेगा किसको लेना है, ओमेगा स्क्वायर किसको लेना है, जिसको मन करे ओमेगा ले लो, जिसको दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, करके देखना आप, ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, इसका स्क्वायर करोगे ये आ जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा, तो किसी को भी ओमेगा ले लो और दूसरा वाला अपने आप ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ओमेगा जो दोनों रूट्स हैं एंड ओमेगा स्क्वायर आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर, देखो दोनों एक दूसरे के कंजुगेट है, देखो, और वैसे भी आपने पढ़ा है क्वाड्रेटिक में कि इमेजिनरी रूट्स एग्जिस्ट इन पेयर, तो ये पेयर्स में होते हैं। तीसरी प्रॉपर्टी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, इन तीनों रूट्स को अगर आप ऐड करोगे आपको जीरो मिलेगा, यानी कि सम ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी आपको जीरो मिलेगा। चौथी प्रॉपर्टी, इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको ओमेगा क्यूब मिल जाता है जो कि वन होगा, प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, इन तीनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दो तो आपको वन मिलेगा। उसके बाद दोनों कंजुगेट ही नहीं, इनकी कोई भी पावर कर दो, एनी पावर ऑफ एनी इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी एनी पावर का मतलब नेगेटिव से भी है मेरा, एनी पावर ऑफ एनी इमेजिनरी रूट ऑफ यूनिटी इज अ इज अगेन रूट ऑफ यूनिटी, कोई भी पावर कर दो, यानी कि
ओमेगा की पावर अगर आप के करोगे तो ये भी कुछ बन जाएगा, ओमेगा ही बन जाएगा या ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। हम क्या करेंगे, ओमेगा इसको के को ना थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी क्या डिवाइड, थ्री लैम्डा प्लस, और जो रिमाइंडर बन जाएगा ना तो ये ओमेगा आर बन जाएगा, ऐसे ओमेगा क्यूब, बिकॉज जो ओमेगा क्यूब होता है ना वो वन होता है, ये वाला, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लो सपोज करो ओमेगा की पावर 37 कर दिया आपने, तो आप क्या करोगे, मैंने बोला था कोई भी पावर, एनी पावर लिखिए, तो ओमेगा की पावर 37 करेंगे तो क्या होगा, तो ओमेगा की पावर 37 को 3 से करो, डिवाइड 3 इंटू 12, लेकिन एक बच जाएगा, तो ये ओमेगा की पावर 1 बन जाएगा, ये ठीक है ना। ओमेगा की पावर कुछ भी ओमेगा की पावर कर लो, ओमेगा की पावर 100 कर लो, तो ओमेगा को 3 से पावर जो 100 है 3 इंटू 33 प्लस 1, ये भी आपका ओमेगा बन गया, किसी भी पावर, ठीक है ना। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं इसकी। अच्छा अब यहीं पर ही मैं अगर इसको जनरलाइज करूं, ठीक है ना, अब मैं इसको जनरलाइज करने करता हूं nth रूट ऑफ यूनिटी, मैं जनरलाइज कर रहा हूं फोर्थ रूट फिफ्थ रूट सबके लिए एक जनरल एक्सप्रेशन। तो बेसिकली आपको nth रूट ऑफ वन चाहिए, तो बेसिकली आपको वन की पावर 1/n चाहिए, ठीक है। तो वन का पोलर फॉर्म लिखना पड़ेगा, cos 0 प्लस i sin 0, इसकी पावर 1/n, डीमॉर्फ नहीं लग सकता, जनरलाइज कर दो, 0 प्लस 2πk प्लस i sin 0 प्लस 2πk, और इसकी पावर आप 1/n कर देते हो। अब अगर आप इसमें डीमॉर्फ लगा देते हो तो लग जाएगा, तो ये 0 को हटा के 2πk इंटू 1/n प्लस i sin 2πk इंटू 1/n, और k की वैल्यू क्या होगी, 0 से शुरू होगी कहां तक, ये जो डिनोमिनेटर है ना n, उससे एक कम था क्योंकि 0 से शुरू हो रही, ये आपका nth रूट ऑफ 1 हो गया। इस फॉर्म में लिखना थोड़ा भारी पड़ता है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर देते हैं, ei 2πnk, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ei 2πn की पावर k, वेयर k बिलोंग्स टू 0 1 2 से लेकर n-1। देखो ये थोड़ी देर के लिए अगर आप ei 2πn को अल्फा ले लो तो हम ये बोल सकते हैं कि nth रूट ऑफ यूनिटी r, ये देखो यहां पर आप, ये अल्फा है, अल्फा की पावर 0, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर, अल्फा ये है टिल अल्फा की पावर n-1। ऊपर जब मैंने क्यूब रूट ऑफ यूनिटी किया था तो मैंने ओमेगा पुट किया था, देखो तो वो जो वहां ओमेगा काम कर रहा है वो यहां पर अल्फा मेरा काम कर रहा है। तो देयरफॉर nth रूट ऑफ यूनिटी आर 1, ये तो हमेशा 1 बन जाएगा, अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब टिल अल्फा की पावर n-1, ये आपका एक्सप्रेशन, इसको याद रखना है आपने। अल्फा की वैल्यू क्या है, अल्फा इक्वल टू ई, देखो बहुत सिंपल है, आई 2π रखना है ऊपर और नीचे इसके n कर देना है अगर nth रूट ऑफ यूनिटी है, ठीक है ना। तो एग्जांपल के लिए अगर आपको मतलब कुछ प्रोसेस से गुजरना नहीं है, डायरेक्ट लिखना है, मान लो आपको ऐसा लिखना है कि से मान लो सेवंथ रूट ऑफ यूनिटी लिखना है आपको, तो आप क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, अल्फा लिखोगे, अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब अल्फा 4 अल्फा 5 और 6 तक पुट करोगे, और वेयर यहां लिख दोगे अल्फा इक्वल टू ई आई 2π/n की जगह आपने 7 डाल देना है बस आपको, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इन सबका सम और इन सबका प्रोडक्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और ऑब्वियसली ये सारे एक दूसरे के कंजुगेट पेयर्स होंगे, मतलब पेयर्स में होंगे, कंजुगेट पेयर्स में है, तो उसको प्रॉपर्टीज वाली हेडिंग में लिख देता हूं,
properties of nth roots of unity. पहली प्रॉपर्टी तो वही जो प्रॉपर्टी होती है इमेजिनरी रूट जो भी होंगे विल एग्जिस्ट इन कंजुगेट पेयर्स. ठीक है ना. दूसरा इन सब का जो सम होगा वो जीरो होगा. यानी इसको मैं स्टेटमेंट में लिखूं अगर सम ऑफ ऑल एन nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज जीरो. सम हमेशा जीरो होता है. तीसरे नंबर पे इन सब का अगर मैं प्रोडक्ट करूं वन पहला रूट दूसरा रूट तीसरा रूट चौथा रूट और इन सब रूट्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आपको आंसर मिलता है क्या. हाँ माइनस दो 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 पॉसिबिलिटी हैं. या तो वन मिलेगा आपको. वन तब मिलेगा जब एन आपका ऑड होगा और माइनस वन तब मिलेगा जब एन आपका इवन होगा. बस दो पॉसिबिलिटी है. हम ऐसे फॉर्मूला लिख सकते हैं ना इसको. ऐसे लिख सकते हैं माइनस वन की पावर एन माइनस वन. ऑड हुआ तो पॉजिटिव इवन हुआ तो नेगेटिव. यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑल सारे रूट इसमें रियल भी आएंगे इमेजिनरी भी आएंगे ऑल nth रूट्स ऑफ यूनिटी. चौथी प्रॉपर्टी अल्फा की पावर n हमेशा वन होगा. ठीक है ना. क्योंकि अल्फा रूट है ना. तो उसकी पावर अगर n कर देंगे तो हमेशा वन रहेगा. अब ऐसे तो किसी की भी पावर n कर दो आप. अल्फा टू की पावर n कर दो वो भी वन होगा. अल्फा टू की पावर n कर दो वो भी वन होगा. अल्फा n माइनस वन की पावर n कर दो तो वो भी वन ही होगा. तो किसी भी रूट की पावर n करोगे तो वो वन ही आएगा हमेशा. हाँ एनी पावर ऑफ एनी इमेजिनरी रूट्स इज अगेन अ इमेजिनरी रूट्स. हाँ कोई दूसरी वैल्यू बन जाएगी लेकिन वो रूट ही रहेगा. ठीक है ना. यहां तक कि एनी पावर का मतलब है नेगेटिव पावर भी चलेगा. नेगेटिव पावर का मतलब रेसिप्रोकल होता है. रेसिप्रोकल ऑफ एनी इमेजिनरी इमेजिनरी क्या इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी इज अगेन इमेजिनरी रूट्स ऑफ यूनिटी. तो यानी कि वन अपॉन अल्फा भी एक वन अपॉन अल्फा को मैं ऐसा ले सकता हूं अल्फा की पावर वन बाई अल्फा तो बन गया ना ये अल्फा की पावर एन माइनस वन. देखो एग्जाम्पल मैंने ये लिया. देखो कोई और ले लेता हूं वन अपॉन अल्फा क्यूब ले लेता हूं तो इसको मैं अल्फा एन अपॉन अल्फा क्यूब लिखूं तो ये अल्फा एन माइनस थ्री बन गया कि नहीं बन गया. ये भी एक रूट बन गया आपका. ये आपके कुछ प्रॉपर्टीज हैं. ठीक है ना. इमेजिनरी ठीक है ना. तो ये आपके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हैं इस पर बेस्ड. कुछ क्वेश्चन हम पहले करके देखते हैं. जैसे सपोज बोला जाए आपसे कि भैया क्यूब रूट ऑफ 8 निकालिए.
क्यू रूट ऑफ एट, तो रियल भी निकालना है, इमेजिनरी भी निकालना है। तो इसको ना मैं ऐसा कर सकता हूँ, देखो तो क्यूब रूट ऑफ एट इंटू वन ऐसा कर दो उसको, और ऐसा लिख दो उसको क्यूब रूट ऑफ एट इंटू क्यूब रूट ऑफ वन, और ये क्यूब रूट ऑफ एट रियल वाला इसका पार्ट लिख दो, और ये वन होता है, ओमेगा होता है और ओमेगा स्क्वायर होता है ना, तो इसका मतलब एक रूट बन गया टू वन जा टू, एक रूट बन गया टू ओमेगा, और एक रूट बन गया टू ओमेगा स्क्वायर, यानी कि क्यूब रूट ऑफ एट आपके ये तीन आगे टू टू ओमेगा एंड टू ओमेगा स्क्वायर। यहीं पर ही अगर आपसे बोला जाए कि बताओ भैया क्यूब रूट ऑफ माइनस वन निकालो, अब बेसिक प्रोसेस से भी जा सकते हो, क्यूब रूट ऑफ माइनस वन, माइनस वन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया, फिर डीमॉस थ्योरम लगाया, फिर के की वैल्यूज पुट करी, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन ऐसे भी कर सकते हैं, क्यूब रूट माइनस वन है ना, उसको ऐसे ले सकते हैं क्यूब रूट ऑफ माइनस वन इंटू वन, तो क्या बन जाएगा क्यूब रूट ऑफ माइनस वन इंटू क्यूब रूट ऑफ वन, और इसकी जो रियल वैल्यूज है वो माइनस वन है, और ये इसके तीन वैल्यूज हो गई ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, तो आपका एक आंसर आ गया माइनस वन, एक आ गया माइनस ओमेगा, एक आ गया माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो क्यूब रूट ऑफ माइनस वन ये तीन वैल्यूज आ गई आपकी। ओमेगा की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे पूछता है सॉल्व x माइनस टू का क्यूब प्लस 27 इक्वल टू जीरो, सॉल्व। अब जब हम सॉल्व कॉम्प्लेक्स नंबर के डोमेन में बात कर रहे हैं तो इमेजिनरी रूट्स भी निकालने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्यूब रूट है तो देखो कैसे करना है। हम ऐसा करते हैं x माइनस टू का क्यूब इक्वल टू माइनस 27, तो x माइनस टू का क्यूब इक्वल टू माइनस 27, इसको ऐसे ले सकते हैं हम लोग, अच्छा माइनस 27 को रहने देते हैं और ऐसे लिख देते हैं x माइनस टू इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ माइनस 27, तो x माइनस टू इक्वल टू, इसको दो एक एक में तो माइनस 27 रहने दो और एक वन कर दो, ये वन जो है ना इमेजिनरी कंपोनेंट ऐड कर देगा इसमें, माइनस थ्री माइनस 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ वन, क्योंकि मुझे वन के क्यूब रूट याद है ना, वन ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 27 के तो निकालने पड़ेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे इसका रियल पार्ट ले लेंगे माइनस थ्री, और इसके तीनों रूट ले लेंगे, वन ले लेंगे, ओमेगा ले लेंगे और ओमेगा स्क्वायर ले लेंगे, और ये एक्स माइनस टू हो गया, तो यानी कि x माइनस टू की वैल्यू होगी, एक तो वैल्यू आई माइनस थ्री, एक वैल्यू आई माइनस थ्री ओमेगा, एक वैल्यू आई माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, और यहां से x की वैल्यू आ जाएगी टू माइनस थ्री, एक वैल्यू आ गई टू माइनस थ्री ओमेगा, दूसरी वैल्यू आ गई टू माइनस थ्री ओमेगा स्क्वायर, तीसरी वैल्यू आ गई, ठीक है, और यानी कि एक आपका हो गया माइनस वन, और एक अब देखो पूरा निकालने को बोला तो क्या करना है, टू माइनस थ्री ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो, माइनस वन बाई टू प्लस अंडर रूट थ्री आयोटा बाई टू, और ये हो गया क्या टू माइनस थ्री माइनस वन बाई टू माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू आयोटा, देखो ये एक रूट तो माइनस वन हो गया, दूसरा रूट यहां से आ जाएगा, देखो टू प्लस थ्री बाई टू, तो टू प्लस थ्री बाई टू ये सेवन बाई टू माइनस थ्री रूट थ्री बाई टू आयोटा, एक रूट ये आ गया, देखो ये आ जाएगा टू प्लस थ्री बाई टू, सेम चीज है सेवन बाई टू प्लस थ्री रूट थ्री बाई टू आयोटा, ये देखिए तो ये बन गया आपका। वैसे भी देखो इमेजिनरी रूट्स पेयर में आते हैं, कंजुगेट पेयर में देखो यहां भी आ रहे हैं, तो डायरेक्ट मेथड भी है, ऐसे करके भी हम लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखता हूं आपको एक दूसरे, हाँ ठीक है ना,
एक दो डीमॉस थ्योरम के मैं आपको एप्लीकेशन दिखाता हूँ। जैसे देखो ये, इफ एक्स प्लस वन बाई एक्स आपको टू कॉस थीटा दे रहा है, वाई प्लस वन बाई वाई आपको टू कॉस फाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें दो क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। पहला फाइंड, पहला ये कह रहा है कि x अपॉन y प्लस y अपॉन x इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू बतानी है क्या होगी। दूसरा आपको बोल रहा है एक्स वाई प्लस वन बाई एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। ये दो ऐसे, ठीक है ना। अब देखो x प्लस वन बाई एक्स आपको टू कॉस थीटा दे रहे हैं, ठीक है। इसमें एक और देता हूं मैं आपको, डीमॉस थ्योरम का एप्लीकेशन उसमें नजर आएगा। थर्ड, x की पावर n y की पावर n प्लस y की पावर n x की पावर m, इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो ठीक है ना, तो x प्लस वन बाई एक्स की वैल्यू ये दे रखी है आपको। तो इसको अगर मैं कन्वर्ट कर दूं क्वाड्रेटिक में, तो ये क्या ऐसा नहीं होगा एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा, एक्स स्क्वायर माइनस टू कॉस थीटा के साथ x प्लस वन इक्वल टू जीरो, यहां से x की वैल्यू निकाल लूं तो ये हो जाएगा टू कॉस थीटा प्लस माइनस आयोटा, और ये देखो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है ना, आयोटा साइन थीटा हो जाएगा। देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन आ जाएगा, यहाँ से फोर बार टू भी आ जाएगा, नीचे टू, टू से टू काट लो ऐसे करके, तो ये आपका बन गया ई प्लस माइनस आई थीटा, ये आपकी एक्स की वैल्यू हो गई। सिमिलरली वाई के साथ भी ऐसा ही कुछ है, वाई प्लस वन बाई वाई इक्वल टू टू कॉस, दूसरा एंगल है लेकिन, लेकिन क्वाड्रेटिक वैसे ही बनेगी, टू कॉस फाई वाई प्लस वन इक्वल टू जीरो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो वाई की वैल्यू आ गई आपको टू कॉस, इस बार मैं पूरा दिखाता हूँ, इसमें दिखाया नहीं था ना मैंने, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, तो वाई इक्वल टू ये टू कॉस थी फाइव हो गया प्लस माइनस, देखो फोर कॉस थीटा फोर, फोर और फोर बाहर टू आ गया, और ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस का बाहर आई आ गया और ये साइन थीटा बन गया अपॉन टू, तो टू से टू आपने कॉमन लेके काट दिया, तो ये आपका वाई बन गया ई प्लस माइनस आई फाइव, एंगल बदल गया बस खाली, ठीक है ना। अब पहले वाले क्वेश्चन में वो क्या कह रहे हैं आप देखिए, पहले वाले क्वेश्चन में कह रहा है कि वो भैया x अपॉन y और y अपॉन x की वैल्यू निकालो। अब आप चाहो तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू ले सकते हो, प्लस या प्लस ले लेते हैं या माइनस ले लेते हैं, कोई भी एक वैल्यू ले लो, ठीक है। तो मैं ऊपर क्या करता हूँ, मैं प्लस वाला ले लेता हूँ, x की जगह ले लिया मैंने ई आई थीटा और y की जगह ले लिया मैंने ई आई फाई प्लस, फिर ऊपर y है ई आई फाई और नीचे है ई आई थीटा। अब देखो ये बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, तो ई आई थीटा प्लस माइनस फाइव हो जाएगा और यहां पर ई माइनस आई थीटा माइनस फाइव ऐसा हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा तो माइनस साइन, इसको फिर से यूलर फॉर्म, यूलर में है तो पोलर में कन्वर्ट कर देते हैं, कॉस थीटा माइनस फाइव प्लस आई साइन थीटा माइनस फाइव ये, और इसको अगर खोलोगे तो ये हो जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव माइनस आई साइन थीटा माइनस फाइव, ये दोनों देखो कट गए, तो आपका आंसर आ गया टू कॉस थीटा माइनस फाइव। देखो ये तो पहले वाले का आंसर ये था टू कॉस थीटा माइनस फाइव।
सही है। सेकंड वाला क्या था, मल्टीप्लाई करना था एक्स और वाई को और फिर वन अपॉन एक्स वाई। तो सेकंड वाले में ये था एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करना है, एक्स की वैल्यू थी प्लस वाई ले रहा हूं मैं, आप चाहो तो माइनस वाई भी ले लो, ई आई थीटा इंटू ई आई फाई, और यहां पर इसका उल्टा था ई आई थीटा ई आई फाई, ऐसे था एक्स वाई। तो ये हो गया तुम्हारा ई आई थीटा प्लस फाई, और यहां पर हो गया आपका ई माइनस आई थीटा प्लस फाई, दोनों में ये देखो इसको एक्सपेंड कर दोगे तो कॉस थीटा, ये देखो एक्स और यहां माइनस है, बिल्कुल पिछला वाला ही आंसर आ गया। देखो बस है पिछला वाला ही आंसर आ गया। देखो इसमें तीसरा वाला में तीसरा वाला है, ये दूसरा है ऊपर वाला, इसमें क्या किया पावर एन करनी है, कहा गया क्वेश्चन एक्स की पावर एन, तो ई आई थीटा की पावर एन किया आपने, ई आई फाई की पावर एन किया, और यहां पर ये उल्टा चल रहा है, ये ई आई की पावर एन करी है और ई आई थीटा की पावर एम करी है, तो ये वही बन गया ई आई एम थीटा प्लस माइनस, ये ऊपर जाएगा तो माइनस एन फाइव हो जाएगा, और इधर माइनस कॉमन ले लेंगे बाहर अगर, तो ये एम थीटा ये भी माइनस एन फाइव, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया, एक्सपेंड कर दोगे आप तो डायरेक्ट टू कॉस एम थीटा प्लस एन फाइव आ जाएगा ऐसे। ठीक है, नहीं ये माइनस है, सॉरी ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा यहाँ, देखो ऐसे करके डीमॉर्गन थ्योरम का इस्तेमाल होता है। एक और क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन ये है, ये कह रहा है कि इफ xn इक्वल टू cos पाई बाई टू की पावर n प्लस आयोटा साइन पाई बाई टू की पावर n, तो फाइंड द एक्स वन इंटू एक्स टू इंटू एक्स थ्री टिल एक्स की पावर, ना ना टिल इंफिनिटी कह रहा है, ठीक है ना, तो यानी कि क्या है कि जो x की सॉल्यूशन सीधे अगर मैं डायरेक्टली सॉल्यूशन पर आऊं, जो x सबको मल्टीप्लाई करना है x1 x2, तो जो xn है ना इसको यूलर फॉर्म में लिख लो, सबसे अच्छा है ई आई पाई बाई टू एन टू की पावर n, ठीक है ना, तो यहां से सबकी वैल्यू आ जाएगी, x1 है x2 है x3 है टिल xn है, तो ये ऐसे आ जाएगा ई पाई बाई टू की पावर वन, फिर ई आई पाई बाई टू की पावर टू, फिर ई आई पाई बाई टू की पावर थ्री, डॉट डॉट इन्फिनिटी तक पूछा है, तो ई आई पाई भी बाहर निकाल लिया, ये वन बाई टू हो गया, ये वन बाई टू स्क्वायर हो गया, ये वन बाई टू क्यूब हो गया, ये तो इनफाइनाइट जीपी बन गई, पावर में जीपी बन गई, तो ई आई पाई ये जीपी का फॉर्मूला है, यहाँ डायरेक्ट लगाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, वन बाई टू प्लस वन बाई टू स्क्वायर प्लस इन्फिनिटी का फॉर्मूला, इसका जो सम का फॉर्मूला होगा वो होगा ए वन माइनस, है ना, ये तो वन आ गया ई आई पाई, तो ये ई आई
पाई, और ई आई पाई होता है कॉस पाई प्लस, फाइनली इसको लिख दो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई, कॉस पाई की वैल्यू माइनस वन और ये जीरो, तो आपका आंसर माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं इसके डी मॉर्गन के। और देखो चलिए फिर ठीक है, मेरे ख्याल से इतना बहुत होगा। तो अगली क्लास में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे कुछ क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है ना, और एक कॉन्सेप्ट बता देंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन, मतलब क्वेश्चंस करा देंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और डी मॉर्गन पे और क्वेश्चंस करा देंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, पहले इसे अच्छी तरह से समझ लो, रीड दोबारा स्टडी करके इसको एक बार। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।